यो हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाम मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग लिब्रा तुला राशि दिसंबर 2019 टैरो एडवाइजेस फॉर द लिब्रा पीपल। लिब्रा या तुला राशि के लोग ट्राइंग टू बैलेंस इन एडवर्स सिचुएशंस, खराब स्थितियों में बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। You are trying to attract someone towards yourself, and you are trying to stop someone not to go from your life। आप किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी से जाने से रोकना चाहते हैं, आप हाथ बढ़ाकर किसी को रोकना चाहते हो, आप चाहते हो एनर्जेटिकली मे बी आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, पर एनर्जेटिकली आप उस व्यक्ति की एनर्जी को कैच करना चाहते हो, उसको आप अपनी तरफ खींच के लाना चाहते हो, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो। और आपने कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी की है, शायद ये कम्युनिकेशन फेल हुआ है। और जिस व्यक्ति को इस वक्त आप रोकना चाहते हो, इस वक्त आप खींचना चाहते हो, इसकी ओर से पहले कम्युनिकेशंस आए थे, इसकी ओर से पहले कम्युनिकेशंस प्रीवियसली शायद आया करते हो या आए हो, जो कि आपने मिस कर दिए। ओके, एंड नाउ लाइक यू वांट टू कम्युनिकेट, नाउ यू वांट टू गो फॉरवर्ड, बट आई थिंक दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज गॉन आउट ऑफ योर लाइफ। जिस व्यक्ति को आप रोक कर रखना चाहते हो, जिस व्यक्ति को आप पकड़ना चाहते हो, जिस व्यक्ति से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से बाहर जा चुका है बिकॉज ऑफ हिज और हर असेंशन, क्योंकि वो हायर परस्पेक्टिव से सोचना शुरू कर चुका है, उसके अंदर कुछ ग्रेटर बड़े बदलाव आ चुके हैं और उसकी वजह से। और जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, ये आप भी हो सकते हो, एनर्जी आप स्वाइप कर सकते हो, आप देख लीजिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करना चाहते हो, ही इज और शी इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। ये व्यक्ति बहुत माइंड से बहुत क्लियर है, ये व्यक्ति काफी नॉलेजफुल है, और ये व्यक्ति ना चेहरे के पीछे छुपे हुए चेहरे को पहचान लेता है जिस व्यक्ति से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। ये व्यक्ति नकाब के पीछे के असली चेहरे को पहचानना जानता है। इस व्यक्ति की इस टेंडेंसी की वजह से, इस पावर की वजह से और इस हायर असेंशन की वजह से दिस पर्सन इज इन अ वेरी 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 हाई लाइट राइट नाउ।
दोनों में से कोई एक हो सकते हैं ना, आप या आपका पर्सन। ओके, यहाँ दो लोगों के बारे में बात हो रही है, उसमें से एक व्यक्ति, इसमें से एक व्यक्ति ना अभी भी बहुत लोअर एनर्जीज में है, एक व्यक्ति अभी भी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, दुखी है, परेशान है, उलझा हुआ है अपनी जिंदगी में, अपनी जिसको बोलते हैं ना दाल रोटी का चक्कर, दाल रोटी के चक्कर में उलझा हुआ एक आदमी, एक पर्सन। और दूसरा व्यक्ति ना जिंदगी की अबंडेंस को एंजॉय कर रहा है, हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहा है, अपना अच्छा लेजर टाइम बिता रहा है। और दोनों की एनर्जी में बहुत डिफरेंस हो चुका है, दोनों की एनर्जी में इतना ज्यादा डिफरेंस हो चुका है कि देर इज नो वहां कोई प्लेटफॉर्म बचा ही नहीं, देर इज नो कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यस, ये रिलेशनशिप ना एक तरह से जिसको बोलते ना धुआं हो चुका है, हवा हो चुका है, फुफ। दैट इज बिकॉज वन पर्सन इज इन क्लाउड्स एंड वन पर्सन इज ऑन द ग्राउंड, सो देर इज म्यूचुअल कम्युनिकेशन इज बंद हो चुका है, कम्युनिकेशन इज, रिलेशनशिप इज एंडेड, कम्युनिकेशन इज एंडेड। लव इज देयर, आई अगेन मैं फिर से इस बात को कहना चाहती हूँ, प्यार है, आप दो लोगों के बीच में प्यार है, आप दो लोग एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को शायद आप पहले साथ देखते थे, शायद आप एक दूसरे को आपने लव ऑफर किया है, शायद आपने एक दूसरे के साथ एक बहुत खूबसूरत इंटीमेट समय भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, शायद आप या आपका पर्सन यू, या फिर आप शायद दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा आप क्लोज रहे हो, आप बहुत ज्यादा प्यार में आप रहे हुए हो, लेकिन शायद जिंदगी की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि बहुत सारी दूसरी चीजें आपके प्यार के बीच में आ गई, बहुत सारी मे बी आप या आपका पर्सन कोई मैरिड हो, बच्चे इन्वॉल्व थे उसके अंदर, दूसरे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व थे उसके अंदर, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के बीच का जो पीस था, इस रिलेशनशिप का जो शांति थी वो भंग हो गई, और आप या आपका पर्सन या आप दोनों ही असमंजस की स्थिति में आ गए, इनडिसाइसिवनेस की स्थिति में आ गए, और एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रीइवैल्यूएशन, रीथिंक करने लगे कि क्या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या इस रिलेशनशिप में किसी तरह का कुछ भी अचीव करना आगे संभव है या नहीं है। शायद आप दोनों में से किसी एक व्यक्ति को डाउट था इस रिलेशनशिप के फुल, इस रिलेशनशिप के कंप्लीट होने पर, और इसलिए दूसरे व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया और एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप को छोड़कर मूव ऑन कर गया। नाउ अब स्थिति वही है जो पहले मैंने ड्रैग बोला, वही स्थिति है, एक व्यक्ति बहुत अबंडेंट, बहुत प्रॉस्परस, बहुत ग्राउंडेड, अच्छी स्थिति में है, और दूसरा व्यक्ति ना सेल्फ सेबोटेज, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपने आप को लोअर एनर्जीज में है, अभी भी अपनी ऑथेंटिक लाइफ नहीं जी रहा है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी बहुत ऑथेंटिकली जी रहा है, समझदारी के साथ जी रहा है, और एक व्यक्ति अभी भी लोअर एनर्जीज में है, ऑथेंटिक नहीं है, अभी भी इनडिसाइसिव है, अभी भी असमंजस में है, अभी भी लोअर 3D एनर्जीज में है, और एक व्यक्ति असमंजस से बाहर निकलकर अपने एनलाइटनमेंट में जा चुका है। इसको और क्लियर करना पड़ेगा। यस, डेथ एंड रीबर्थ। लिब्रा, आप लोग जिस रिलेशनशिप के अंदर हो ना, ये रिलेशनशिप आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको दिया गया है, डेथ एंड रीबर्थ। इसमें आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। आपके आप जिस भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में ना, इसमें से एक व्यक्ति तो शायद
अपने रीबर्थ में जा चुका है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुका है, और दूसरे व्यक्ति को जो कि अभी भी लोअर एनर्जीज में है, इसको अभी भी ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, इसको अभी भी बदलाव की जरूरत है, और ये व्यक्ति अभी भी अनक्लियर है, अभी भी कंफ्यूज है। एक व्यक्ति जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, अभी भी अनक्लियर है, अभी भी कंफ्यूज है, और जब तक ये क्लैरिटी में नहीं आएगा, ये व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जो भी है, ये लिब्रा आप हो या आपका पार्टनर हो, जो भी अभी तक कंफ्यूज है, जो भी अभी तक अपने आप को नहीं बदल रहा है, वो अभी अपनी अबंडेंस से, अपनी टेन ऑफ पेंटिकल्स, अपनी अबंडेंस की ओर मूव करने से दूर है। अगर अगर आप या आपका पार्टनर इस बात को अच्छी तरह समझ जाओ कि ये रिलेशनशिप आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया गया है, अगर आप इस बात को समझ जाओ, अगर ये क्लैरिटी मिल जाए आपको या आपके पार्टनर को कि ये रिलेशनशिप आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया गया है, तो सर्टनली ट्रांसफॉर्म होके, बदलाव करके, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करके, यू विल एंटर टूवर्ड्स योर अबंडेंस। आप अपनी अबंडेंस में, आप वेल्दी, हेल्दी, वेल्दी, अच्छी लाइफ सेलिब्रेट करने जैसी लाइफ में आप एंटर कर जाओगे। यूनिवर्स आपसे और आपके पार्टनर से ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। यूनिवर्स चाहता है कि आप उससे हेल्प मांगो, आप उससे सपोर्ट मांगो, और उसके बाद इस रिलेशनशिप में स्विफ्टनेस, इस रिलेशनशिप में एस, इस रिलेशनशिप में गुड कम्युनिकेशन आ सकता है। आपको एंजेलिक गाइडेंस देती हूं मैं। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। आपका ईगो, आपके ईगो की वजह से लिब्रा, आप जानते हो कि बैलेंस की जरूरत है, आप जानते हो कि ग्रेसफुल रहने की जरूरत है, आप जानते हो कि एक्शन लेने की जरूरत है, पर आपका ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। टेक केयर ऑफ योर नीड्स। मैंने कहा ना, आपको पता है कि आपको क्या करने की जरूरत है, लेकिन आप वो एक्शन नहीं ले रहे हो। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। ये जो कुछ भी सिचुएशन बनी है ना, ये आपके ग्रोथ के लिए बनी है, ये आपके सोल डेवलपमेंट के लिए आपको दी गई है। आप जितना जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को समझ जाओगे, आप जितना जल्दी इस चेंज को स्वीकार करोगे, उतना ही जल्दी आप अपनी अबंडेंस में टैप करोगे, आप अपनी समृद्धि को, अपने सुकून को, अपने फुलफिलमेंट को पालोगे। इंडिगो, द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज एन इंडिगो, मीनिंग ए हाईली सेंसिटिव नेचुरल बॉर्न लीडर। आप जिस व्यक्ति लिब्रा, आप जिस व्यक्ति से कनेक्टेड हो, दैट पर्सन इज एन इंडिगो पर्सन। मैंने आपको यहाँ बोला ना, ये व्यक्ति अपने एनलाइटनमेंट में जा चुका है, ये एक एनलाइटेंड सोल है, ये एक हाईली सेंसिटिव नेचुरल बॉर्न लीडर सोल है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो। क्राउन चक्र, पे अटेंशन टू आइडियाज एज दे आर मैसेज टू ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर्स टू योर प्रेयर्स। क्राउन चक्र अवेकनिंग, आपको अपने हायर नॉलेज को सुनने की जरूरत है, आपको अपने इनर विजडम को सुनने की जरूरत है, आपको अपने गाइडेंस, हायर गाइडेंस को सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको किसी हायर पर्पस से दिया गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉयड आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ योर एनर्जीज। और लिब्रा, आप चाहे कितना भी रेजिस्ट करें, रेजिस्टेंस का कार्ड है, आप चाहे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव के लिए कितना भी रेजिस्ट करें, आप में जो भी बदलाव आने लिखे हैं वो आएंगे, आ रहे हैं। जो रिलेशनशिप्स आप पहले इंजॉय करते थे, वो अब इन नई एनर्जीज में आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। जिन एक्टिविटीज में आप पहले इन्वॉल्व रहते थे, अब जब आपके ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ चुका है, आप उन एक्टिविटीज में और अधिक इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। आप चाहे कितना भी अवॉइड करें, ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ चुका है, ट्रांसफॉर्म होने का समय आ चुका है। द डेथ एंड रीबर्थ कार्ड इज हियर। क्लैरिटी रखिए इस बात की कि ट्रांसफॉर्म हुए बिना जिंदगी में, द सन कार्ड,
हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल सकती। यहाँ पर डेथ कार्ड बीच में है और उसके दोनों साइड, एक साइड सन कार्ड और एक साइड टेन ऑफ पेंटेकल्स कार्ड। बिना ट्रांसफॉर्म हुए, बिना अपने आप को बदले हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल सकती है। यही समझाने के लिए आपकी जिंदगी में ये रिलेशन आया है, बहुत अच्छा हो, जितना जल्दी हो सके आप सीख ले लें और अच्छे समय को एंजॉय कर सके। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, आई विल बी बैक सून। टिल देन बाय बाय।